हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का मसाला। तो आज की हमारी रेसिपी है फिश फ्राई, जो आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल होटल स्टाइल बनाने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग होटल में जाते हो फिश फ्राई खाने के लिए, और वहाँ की फिश फ्राई आपको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो उसी तरह से आप भी इजीली अपने घर पे बना सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखना है। तो देखिए, यही वो फिश फ्राई है जिसको आज हमने बनाया है। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले फिश को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने रोल फिश लिया है आधा केजी, तो हमने पीसेज इसके मीडियम साइज़ के बना के रख दिए हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। इसके बाद धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो आपके पास कश्मीरी मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन, लेमन से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है देखिए। और बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे पीसेस हैं फिश के, बिल्कुल अच्छी तरह से सारे मसाले उसके अंदर तक चले जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर। देखिए, कॉर्नफ्लोर से काफ़ी क्रिस्पी होती है हमारी फिश फ्राई। तो देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और हम इसमें और थोड़ा कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लेंगे। देखिए, इसी प्रकार से आपको भी मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड फूड कलर। तो आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमारी फिश बिल्कुल अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे देखिए, ताकि जिसके मसाले बिल्कुल अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और फिश के अंदर तक बिल्कुल सारे मसाले अच्छे से लग जाए। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फिश का ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो मैं गैस आपकी मीडियम टू लो पे ही फ्रेंड्स। इसके बाद हम फिश को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको फिश को एक एक पीस डाल देना है फ्रेंड्स। देखिए, आपको एक साथ पीसेस नहीं डालना है, बिल्कुल एक एक पीस डालना है फ्रेंड्स। देखिए, इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम तीन प्लेट के क्वान्टिटी के हिसाब से फिश फ्राई बना रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, चार से पाँच मिनट में आपकी फिश फ्राई बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी आएंगी। तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फिश फ्राई बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो हम इसको निकाल देंगे। देखिए, और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन चुकी है फ्रेंड्स। देखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालते ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स इससे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।